डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद ककणी यूट्यूब आईटीआई एकेडमी चैनल पर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस यानी कि कार्यशाला गणना एवं विज्ञान का जो 2019 जुलाई में जो पेपर हुआ था वो टेंथ पास जो वन ईयर ट्रेड के लिए जो टेंथ क्लास की जो ट्रेडे थी उनके लिए जो पेपर था उसका अपना सोल्यूशन देखते हैं। एनुअल एग्जाम सिस्टम चल रहा है, अभी 2019 में भी एनुअल एग्जाम सिस्टम था। अब क्या होगा कि जो ईयरली सिस्टम है अभी जो नया हुआ है उसके अंदर कॉमन सिलेबस इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कैलकुलेशन का लागू हो गया, अर्थात जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स है उनके ईयरली सिस्टम का फर्स्ट ईयर का पेपर सेम आएगा। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स है उनका पेपर कॉमन आएगा। तो फर्स्ट ईयर का जो पेपर रहा है वो जो पिछली बार जो लास्ट ईयर जुलाई 2019 में हुआ था और टेंथ पास के लिए जो पेपर था वन ईयर ट्रेड का जो पेपर था उसको अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था वो था आपका वन माइल, एक मील कितने किलोमीटर किलोमीटर के बराबर होता है। तो अपने को एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर, अर्थात जो बी उसका ऑप्शन है 1.609 किलोमीटर, या तो होता है 1609 मीटर या होता है 1.609 किलोमीटर। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज जो होता है ब्रॉन्ज बोलते हैं अपन हिंदी में कांसा, कांसा किसका एग्जांपल होता है, कांसा जो है दो जो आप मेटल होता है उनका मिश्रण होता है और वो जो दो मेटल होते हैं वो होता है कॉपर और टिन, अर्थात इसका जो एग्जांपल है पहला जो पार्ट है ए है कॉपर एंड जिंक, बी है कॉपर एंड लेड, सी है कॉपर एंड मैग्नीज और डी है कॉपर एंड टिन। तो इसका जो है कॉपर और जिंक मिलकर तो बनता है ब्रास और कॉपर और टिन मिलकर के बनता है ब्रोंज, तो आंसर डी होगा कॉपर और टिन। तो कभी ब्रोंज पूछ लेते हैं कभी ब्रास पूछ लेते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कॉपर और जिंक मिलता है तो बनता है आपका ब्रास यानी पीतल, और कांसा जो जिसको ब्रोंज बोलते हैं वो बनता है कॉपर और टिन से। थर्ड क्वेश्चन आया था विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जो विद्युत का चालक कौन सा है इनमें से। देखो तो विद्युत के चालक जो धातुएं जितनी भी होती है वो विद्युत की चालक होती है, अपने जो एट लेवल का जो पेपर देखा था 2019 जुलाई का उसके अंदर आप जो वन ईयर ट्रेड का था उसके अंदर आपको यही सवाल था कि कंडक्टर कौन सा इनमें से छांटे, तो अपने कोई धातु थी वो उसमें से कंडक्टर था या नॉन कंडक्टर कौन सा नहीं है वो अपने छांटना था, तो पोर्सिलिन उसके अंदर आपका आंसर हुआ था। लेकिन यहां है कि इनमें से कंडक्टर कौन सा है, तो देखो इनमें से कोई भी धातु नहीं दिख रही लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है वो होता है ग्रेफाइट, कार्बन का जो रूप है ग्रेफाइट, इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसीलिए इसके कार्बन का ब्रश बनते हैं, कार्बन ब्रश बनते हैं इसके, वो किसके बनते हैं ग्रेफाइट के बनते हैं, जो आपके मोटर्स वगैरह में लगते हैं ब्रशेज वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। पोर्सिलिन ग्लास और वुड तीनों ही नॉन कंडक्टर हैं, यानी कि विद्युत के कुछ अलग है। इम्प्रोपर फ्रैक्शन ऑफ 16 3/5, पूर्ण संख्या 16 है और 3/5 इसके साथ में लिखे हुए हैं, यानी 16 3/5 जो है उसको आप किसमें बदलें, इसको बदलें आप इम्प्रोपर फ्रैक्शन में विषम भिन्न में बदलें, 16 3/5 इसको आप विषम भिन्न में बदलें, तो 16 3/5 जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो ये है आपका मिश्र भिन्न है, ये क्या है मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करें, इस 5 को 16 से गुणा करो, 16 5 80 और 3 उसको ऊपर जो अंश है उसको जोड़ देते हैं, तो ये पूर्ण संख्या से हर को गुणा करके जो अंश है उसको जोड़ देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो गया 16 5 80 और 3 83/5, ये आपका विषम भिन्न बन गया, तो आंसर इसमें आएगा आपका 83/5 अर्थात बी। फिर आता है अगला सवाल आपका मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, मतलब इकाई आयतन की सहती, ये पिछली बार भी यही सवाल था तो ये और आ गया इसमें देखो रिपीट हुआ है, इकाई आयतन की सहती को क्या कहते हैं घनत्व कहते हैं, √21 √21 √21 एक्चुअली क्या होता है देखो रूट एक्स को एक्स से गुणा करते हैं, अगर अपन रूट एक्स को एक्स से गुणा करते हैं तो क्या होता है एक्स, या मैं कहूं रूट एक्स को एक्स से गुणा करते हैं अर्थात रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर अंडरूट में हो गया तो उसका मान क्या आएगा एक्स आएगा, या रूट अपना सवाल है √21 √21 तो क्या आएगा 21 आएगा, कैसे √21 √21 इसको पूरे एक रूट में लिख दिया तो क्या आ जाएगा, ये आपका रूट अंडर रूट 21 इंटू 21, और अंडर रूट में कोई भी दो संख्याएं हैं समान हैं तो उनका अंडर रूट लेते हैं तो वो एक संख्या आकर के बाहर जो है उसका आंसर हो जाता है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर 21। फिर क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर सेवन में आता है कि सेवन अंडर रूट 7.29, 7.29 का अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालें। तो देखो अंडर रूट निकालते हैं अपन, 7.29 का अंडर रूट निकालने के लिए क्या करें, 7.29 को लिखा, अब यहां पर अपन पेयर बनाते हैं, क्या करते हैं यहां पे पेयर बनाते हैं, डेसिमल से लेफ्ट में और डेसिमल से राइट में दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं। अगर इसमें डेसिमल से लेफ्ट में एक ही संख्या है तो मैं इसके आगे जीरो लगा दूं तो ये क्या होगा, 07.29, अर्थात एक पेयर जो बना आपका 07 का बना, दूसरा पेयर बना आपका 29 का बना। पेयर हमेशा जहां डेसिमल लगता है वहां से डेसिमल से अपन पेयर स्टार्ट करते हैं, तो डेसिमल से लेफ्ट और डेसिमल से राइट, तो 07 डेसिमल से लेफ्ट में आया और 29 राइट में आया। अब 07 को अपने ऐसी संख्या यहां पे लें कि जिसको उसी से गुणा करना है, गुणा करने पर वो संख्या तो इस 07 के बराबर आए या उससे जस्ट कम आए, यानी कि एक को एक से गुणा करके अपन एक लिख देंगे, नहीं तो तीन से तीन को करते हैं तो 9 आता है, जो ज्यादा हो जाता है, तो 2 को 2 से गुणा किया अपन ने और कितना आया 4। वो जो गुणनफल आता है उसमें यहां लिखते हैं लाइन लगा करके, इस 7 में से इस 4 को घटाने के बाद में कितना बचा आपका 3 बचा, और इस 2 को 2 से जोड़ करके यहां अपन लिख देते हैं 4। अब देखो ये 3 आया और ऊपर जो पेयर था आपका पॉइंट के बाद वाला वो 29 था, उसको अपन ने उतार लिया, पहले 2 से 2 को गुणा करने पे जो 4 आया था तो अपन ने यहां पे 2 ऊपर लिख दिया और पॉइंट वाली संख्या उतारी इसलिए यहां पे पॉइंट लगा दिया। अब नीचे यहां पे कितना हो गया 329, अब 329 को अपन ने यहां पे, यहाँ 4 था, 4 के साथ में ऐसी संख्या लेनी है जिसको यहाँ भी लिखना है और उसको उसी से 47 से गुणा करना है, जो संख्या यहाँ 4 के साथ में लिखेंगे उसको नीचे भी लिख करके ऊपर वाली जो संख्या बनी उससे गुणा करना है। तो मैं देखो यहाँ अगर 8 लेता हूँ डायरेक्टली जाने के लिए कैसे देखें अपन, अगर मैं यहाँ 8 लेता हूँ तो 8 64 हो जाएगा और 6 हासिल जाएगा और 8 से 32 हो जाएगा, 32 और 6 38 हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है, तो मैं 8 से जो कम वाली संख्या वो 7 लगाता हूँ, 7 को मैं यहाँ 7 लिखता हूँ और 7 को 7 से गुणा करके यानी कि 47 से गुणा करूंगा तो ये आएगा 329 पूरा आ जाएगा, 329 को 329 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा और जो अपन ने यहाँ भाग देने के लिए गुणक लगाया था, अपन ने 7 लगाया था, वो अपन ने यहाँ लिख देंगे। तो ये आपके जब कुछ भी शेषफल नहीं बचता है तो आपका पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब है कि इसका जो अंडर रूट निकला है 2.7। वैसे आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता था लेकिन अब जब सीबीटी एग्जाम हो सकता है कैलकुलेटर अलाउ रहे या नहीं रहे, तो आप पे कर सकते हैं सर, या अगर कंप्यूटर में अलाउ हो तो आप देख लेना और उसको कर लेना। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है कि इफ ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, इस तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट करें। ऐसा जब सवाल आता है तो आप जो बी का जो अनुपात है वो सेम करें। अब बी के अंदर यहां पे अपन देखते हैं, बी में यहां देखते हैं तो यहां बी का जो मान आ रहा है वो 3 आ रहा है और यहां बी का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इस 3 और 4 का आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेते हैं तो कितना बनता है आपका, एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का तो वो आपका आता है एलसीएम कितना आता है 12 आता है, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं 12 आता है। इसका मतलब है कि मैं ए अनुपात बी में यहां बी का मान 12 बना दूं, यहां भी बी का मान 12 बना दूं, यहां बी को 12 बनाने के लिए बी का जो अनुपात चल रहा है उसको 12 बनाऊंगा, तो 12 बनाने के लिए मैंने इस 3 को किससे गुणा करना पड़ा 4 से, तो 4 से मैं इस 2 को गुणा करूंगा और 4 से 3 को गुणा करूंगा, तो ये अनुपात जो था 8:12 हो जाएगा और 8:12 जो 12 है वो 2:3 ही रहेगा। इसी प्रकार में बी अनुपात सी में भी मैं 4:5 है उसमें से 4 को मैंने 12 बनाना है 12 बनाना है तो 4 को मैं यहाँ किससे गुणा करूंगा 3 से, तो 3 से मैं 4 को गुणा करूंगा तो 5 को भी उसी संख्या से गुणा कर दूं तो अनुपात मेरा सेम ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया और 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आया। अब आपका ये ए अनुपात बी तो हो गया 8:12 और बी अनुपात सी हो गया आपका 12:15, तो मैं ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकता हूं 8:12:15। देखो यहां से यहां तक देखता हूं तो आप ए अनुपात बी 8:12 और ये देखता हूं तो बी अनुपात सी 12:15 सेम हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं आपके ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 8:12:15, आंसर हो जाएगा इसका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15, अर्थात सी इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट 60 सेंटीमीटर ऑफ 3 मीटर एज परसेंटेज, 60 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है, इसको आपने सरल करना है। तो 60 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंटेज है इसको निकालने के लिए 3 मीटर को किसमें बदल दिया मैंने, सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर बदला तो कितना हो गया 3 × 100 बराबर 300 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने 60 सेंटीमीटर 300 का कितना प्रतिशत होता है 100 पे निकालना है इसका मान, तो 60/300 × 100 किया, 60 को मैं डायरेक्टली इससे 300 से काटता हूं तो 5 बार कटेगा और 5 को इससे 100 से काटूंगा तो 20 आएगा, अर्थात 20% आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, वर्डन की एसआई यूनिट क्या है, क्या होती है, देखो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल की इकाई होती है न्यूटन और विस्थापन की इकाई होती है मीटर, न्यूटन और मीटर को गुणा करते हैं तो आपका आपका जूल आता है, अर्थात जो कार्य की इकाई थी आपकी क्या बन गई, न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को कहते हैं अपन जूल, अर्थात एसआई पद्धति में या तो उसका न्यूटन मीटर आंसर आना चाहिए या जूल आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके अंदर आपको इसमें देखो न्यूटन दे रखा नहीं होगा, जूल पर सेकंड नहीं होगा, जूल पर सेकंड क्या होता है वाट हो जाता है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा आंसर इसका डी, जूल इसका आंसर हो जाएगा, या तो न्यूटन मीटर होगा या जूल होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, देखो ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो गति कारण किसी वस्तु में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं अपन गतिज ऊर्जा, और वस्तु की स्थिति परिवर्तन या वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र के विपरीत कहीं ऊंचाई पे ले जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसको बोलते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ ब्लोइंग वाइंड जो आपके जो बहती हुई हवा है उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, रोटेटिंग व्हील उसमें गतिज ऊर्जा है, फ्लोइंग ऑफ वाटर बहते हुए पानी में भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन जो पानी की टंकी जिस जो ऊपर रखी हुई है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है वो आपके स्थितिज ऊर्जा का एग्जांपल है। या मैं किसी पत्थर को पृथ्वी के धरातल से ऊपर ले जाकर किसी बिल्डिंग पर रख देता हूं उसमें जो एनर्जी आएगी वो भी क्या होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार किसी में स्प्रिंग को अगर खींच देता हूं, या स्प्रिंग को मैं दबा देता हूं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट सवाल है इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो कि गलत लग रहा है, मैं नहीं कर रहा इसमें कोई त्रुटि छूट रही है, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 डिवाइड 9x^5y^2 / x^2y^2 9x^5y^3 को x^2y^2 से भाग देना है। तो मैं 9x देखो नीचे से पावर को मैं ऊपर ले जाता हूं, जैसे x^2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो घातांक उसकी माइनस में हो जाएगी, देखो आधार सेम है और पावर अलग अलग है और संख्याएं भाग हो रही है तो नीचे वाली संख्या की पावर को ऊपर ले जाकर के ऊपर वाली जो संख्या है उसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा x^5 - 2 और y^3 - 2 तो ये हो जाएगा आपका 9x^5 - 2 = 3 और y^3 - 2 = 1 अर्थात 9x^3 और y^1 होती है तो उसको अपन सिंगल लिख देते हैं, उसके ऊपर कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, y^1 का मतलब केवल y, अर्थात आंसर आएगा आपका 9x^3y। सोल्व, अब देखो सोल्व करा रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है, ये युगपत इक्वेशन दे रखी है कि 11x + 3y = 50 और 8x + 3y = 38। इसको सरल करना है, इसको सरल करें तो देखो इसमें 3y और 3y दोनों में सेम आ रहा है तो मैं एक इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर मैं घटाता हूं, इक्वेशन 1 और 2 में लेता हूं, इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 को घटाता हूं, जब घटाते हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है घटाने वाली जो चीज होती है उसके चिन्ह बदलने दो और ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, तो मैंने क्या इनके चिन्ह बदल दिए, अब 11x और ये नीचे इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है माइनस का 8x जोड़ना है इसके अंदर, तो 11 और माइनस 8x को मैं सरल करूंगा तो क्या आएगा 3x आएगा, 3y प्लस का है 3y माइनस का है जोड़ने पर आपस में कट जाएगा, 50 और माइनस के 38 को सरल करता हूं यानी 50 में से 38 को घटाता हूं तो 12 आता है। अब देखो जो x = क्या हो गया 3x = 12 तो x = हो गया 12/3, अब मैं 12 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, एक्स का मान आपके पास कितना आ गया 4, अब मैं एक्स का मान जो अगर किसी भी समीकरण में दो में से जो समीकरण थी उसमें किसी एक में रखता हूं, समीकरण एक में x का मान रखता हूं अर्थात 11 × x की जगह मैंने क्या रख दिया 4 + 3y = 50 तो ये हो गया आपका 3y = ये 11 × 44 है, मैं इधर इसको ट्रांसपोजिंग करूंगा तो 50 - 44 हो जाएगा और कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 3y = कितना हो गया 6y = हो गया आपका 6/2 = 3, आंसर आ जाएगा x = 4 और y = 2। 16 कहता है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ईच ऑफ इट्स साइड 60 mm लॉन्ग, फाइंड द दिस एरिया, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 60 mm है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वो होता है √3/4a² और भुजा कितनी है a 60 mm, मान रख दिया उसका √3/4 60 उसका मान रख दिया 60 × 60 हो गया
रूट थ्री का मान 1.732 और 4 से इसको काट दिया तो 15 छक्के 90 900 × 1.732 गुणा करेंगे तो 1558.8 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट क्या थी इसकी मिलीमीटर, तो आपकी वर्ग इकाई हो जाएगी क्षेत्रफल की और 1558.8 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा इसके अंदर 16 का 1558.8 मिलीमीटर स्क्वायर सी इसका आंसर हो जाएगा। 17 बेस एरिया ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, किसी जो सॉलिड सिलेंडर है उसके जो आधार का क्षेत्रफल कितना है वो है आपका 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड कोई सिलेंडर जिसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और उसका आयतन दे रखा है उसकी हाइट पूछी है, तो एक्चुअली क्या होता है देखो जो सूत्र होता है आपका इसका आयतन का मैंने एक लेसन अभी मैंने कराया नहीं, लेकिन जो मैंने क्षेत्रफल बताया था तो मैंने बताया था क्षेत्रफल का जब मैंने समझा रहा था कि अगर आपका क्षेत्रफल क्लियर हो जाता है तो आपका आयतन भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयतन देखो क्या होता है कि किसी भी समरूप बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जिसका आधार और टॉप सेम हो, जैसे ये चीज है, अब ये चीज अगर मैं लेता हूं और इसका मैं आधार क्या ले लें, इसका आधार मैं वर्गाकार ले लेता हूं, जैसे मान लिया कि इसका आधार क्या है एक वर्ग है, एक क्या दिख रहा है ये वर्गाकार प्रिज्म दिख रहा है, और सारी जो वर्टिकल सर्फेसेज है या जो खड़ी सर्फेस है लंबत ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसी जितनी भी बॉडी है जो समरूप बॉडी है जैसे सारे के सारे प्रिज्म हो जाएंगे सिलेंडर हो जाएगा, इनका सबका जो आयतन बनेगा वो बनेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, अर्थात मैं इसमें सूत्र क्या लगाऊंगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर होगा आपका आयतन। अब मेरे को क्या निकालना ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा सिलेंडर का आयतन अपन सिलेंडर के आधार का क्षेत्रफल। अब सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे को पता है और क्षेत्रफल मेरे को बेस का पता है, अर्थात वॉल्यूम का मान मैंने रख दिया 69.3 सेंटीमीटर क्यूब और आधार के क्षेत्रफल का मान लिख दिया 13.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा और इसका इसमें भाग दूंगा तो ये 5 आंसर इसका आ जाएगा। 5 रखा है कि 104 डिग्री फॉरनाइट किसके बराबर होता है, तो 104 डिग्री फॉरनाइट है, फॉरनाइट को अपन टेम्परेचर वाला यूनिट वाला जो चैप्टर किया था उसके अंदर देखा था कि सी अपॉन 5 सूत्र होता है, सी अपॉन 5 इजिकल टू एफ माइनस 32/9, या एफ का मान में कितना लिख दू 104 रख देता हूं तो सी अपॉन 5 इजिकल टू 104 − 32/9 हो जाएगा और 104 में से 32 को उठाऊंगा 72 आएगा, 72/9 को सरल करूंगा यहाँ 8 आ जाएगा। अब मैं 5 को 8 से गुणा करूंगा, इसको क्या वज्र गुणा कर दिया नीचे तो एक बचा, एक को सी से गुणा करूंगा सी आएगा, 5 को 8 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। कई बार सूत्र सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है कि 104 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फॉरनाइट में बदलें, तो आपको याद भी होना चाहिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 104 डिग्री फॉरनाइट। इसी प्रकार मैंने एक और बताया था इंपॉर्टेंट आपको कि −40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है −40 डिग्री फॉरनाइट, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 है लिक्विड एंड सॉलिड एक्सपेंड व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू हीट द प्रिंसिपल वर्क इज, ये किसका सिद्धांत है कि जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड को अगर ऊष्मा देते हैं, ठोस और द्रव को ऊष्मा देने पर वो फैलते हैं, तो ठोस और द्रव को ऊष्मा देने पर फैलने के सिद्धांत पर थर्मामीटर कार्य करता है। थर्मामीटर जो होता है आपका, थर्मामीटर जो सिद्धांत जिस सिद्धांत पर काम करता है कि एक्सपेंशन अगर उसमें होता है किसका, लिक्विड का या सॉलिड का। देखो अगर जो है पारा होता है, पारा क्या होता है सॉलिड होता है, उसको जब ऊष्मा देते हैं तो वो फैलता है। इसी प्रकार जो एल्कोहल थर्मामीटर होते हैं उसमें जो लिक्विड होता है उसको अपन ऊष्मा देते हैं तो वो भी एक्सपेंड करता है। तो थर्मामीटर जो है ऐसा यंत्र है जो आपके जो है लिक्विड और सॉलिड की ऊष्मा के देने पर विस्तार होता है, किसके अंदर उनमें जो लिक्विड और सॉलिड में उस पर सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 20 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो कितनी होती है, देखो होती है वो होती है एक, पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी एक, और विशिष्ट ऊष्मा की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि दो ऊष्माओं का दो जो ऊष्मा है उनका अनुपात होता है, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा की कोई इकाई नहीं होती है। अगला सवाल है आपका, ये जो अगला सवाल भी जो है वो गलत दिख रहा है 21 नंबर का, इसलिए मैं इसको भी नहीं कर रहा, लिखा हुआ कोई कोई त्रुटि इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 ये लोड ऑफ 1000 केजी लिफ्टेड 1000 किलोग्राम का भार किसी सिंपल मशीन के द्वारा उठाया जाता है और उसका वेलोसिटी रेशियो कितना है 5 है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, तो आप यांत्रिक लाभ ज्ञात करें और एफिशिएंसी ज्ञात करें, यदि एफर्ट जो लगाया गया है प्रयास जो लगाया गया है 250 है। सवाल है कि किसी मशीन के द्वारा भार को उठाया जाता है, उठाया गया भार है वो 1000 केजी है, वेगानुपात 5 है और लगाया गया प्रयास आपका 250 है, आप उसमें क्या ज्ञात करना अपने को
एक तो निकालना है यांत्रिक लाभ और दूसरा निकालना है यांत्रिक दक्षता। तो अपना सूत्र होता है यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार अपॉन प्रयास, अर्थात W अपॉन P। W का मान आपके पास में 1000 है और प्रयास का मान कितना है, एफर्ट का मान 250 है, 250 है। 1000 में 250 का भाग दिया 4, ये क्या आया आपका यांत्रिक लाभ, एमए आ गया। और दक्षता क्या होती है, एमए अपॉन वीआर, यानी यांत्रिक लाभ अपॉन वेगानुपात को अपन कहते हैं दक्षता। तो ये हो गया एमए अपॉन वीआर 4/5 अर्थात 0.58। अब इस दक्षता को अगर आपने 0.8 क्या है दक्षता आई, इस दक्षता को अगर अपने किस में ले जाना है, प्रतिशत में ले जाना है, तो 100 से अपन इसको गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिशत में 80%। आंसर आ जाएगा यांत्रिक लाभ 4 और दक्षता हो जाएगी 80%। क्वेश्चन नंबर 24 इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 24 है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। तो रेजिस्टेंस की इकाई देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस की इकाई के अंदर दे रखा है एम्पियर, ओम, वोल्ट और कूलम। अब अपन इसमें देखते हैं तो एम्पियर किसकी इकाई है, सभी बताता हूं, कोई भी सवाल कभी भी आ सकता है। तो एम्पियर जो इकाई होती है वो धारा की होती है, ओम जो इकाई होती है रेजिस्टेंस की होती है, वोल्ट आपकी पिछली बार जो पेपर था 8th बेस वाला जुलाई 2019 में, उसमें विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई पूछी थी वो क्या थी, वोल्ट थी। और कूलाम, कूलाम आवेश की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है, आवेश या चार्ज की इकाई होती है। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा रेजिस्टेंस की इकाई बनेगी ओम, क्या बनेगी ओम। नेक्स्ट 25वां सवाल लास्ट आपका है, ए फ्यूज प्रोटेक्ट ए सर्किट फ्रॉम, जो फ्यूज लगाते हैं अपन इलेक्ट्रिक के अंदर विद्युत की जो सर्किट होता है उसमें जो फ्यूज लगाते हैं वो फ्यूज आपकी ओवरलोड से अपन विद्युत के परिपथ को बचाता है। तो ओवरलोड से बचाने के लिए अपन फ्यूज लगाते हैं, ये मैं आंसर की है। इस आंसर की से आप अपना जो भी है पूरा आप सॉल्यूशन देख लें और करें। जो मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको समझ में आया होगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने बाकी साथियों को भी इसको बताएं। नेक्स्ट अपन और क्लास लेंगे जिसके अंदर अपन पेपर सॉल्यूशन और करेंगे। थैंक्स।